क्या है ये एडल्ट्री एक्ट 497, या हिंदी में बात करें तो व्यभिचारी धारा 497। एडल्ट्री और व्यभिचारी का अर्थ किसी भी शादीशुदा महिला और पुरुष के शारीरिक संबंध से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एडल्ट्री एक्ट 497 और व्यभिचारी धारा 497 के बारे में। हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे धारा 497, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी अगर शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ यदि संबंध बनाती है तो उससे अपराध माना जाता था। यह धारा आज 158 साल पुरानी है, लेकिन इसको 27 सितंबर को हमारे सुप्रीम कोर्ट दीपक मिश्रा और 5 खंडीय पीठ ने इस धारा को समाप्त कर दिया है और बताया है कि कोई भी महिला शादीशुदा महिला किसी भी पुरुष से तो अपना शारीरिक संबंध बना सकती है, जिसे अपराध नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि धारा 497, जिसमें से कोई भी शादीशुदा महिला किसी भी पुरुष के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको पहले अपराध माना जाता था और अपराधी को 6 महीने की जेल हो जाती थी, सज़ा सुनाई जाती थी। लेकिन इस धारा को ख़त्म कर दिया गया है। बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला पर उसके पति का कोई मालिकाना हक नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये सही, ये जो फैसला आया है, क्या ये सही है या गलत है, आप मुझे इसको कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।